एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड। हेलो एवरीवन, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है शनिवार, फर्स्ट डे नवरात्रि का है, तो जस्ट मैं नहा के आ रही हूँ। मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए, पूजा करने चल रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि आप मेकअप तो दिखाते हो, पूजा दिखाते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हम पूजा नहीं करते हैं, बट हाँ दिखाते नहीं हैं। कभी कभी सोचते हैं दिखा दे, जैसे दीपावली की पूजा हुई दिखा देते हैं, करवा चौथ की और नवरात्रि की। तो चलो, कोई आ गया, लगता है दूध वाला आ गया। तो सबसे पहले हम चलो पूजा कर लेते हैं। आप लोगों की नवरात्रि कैसी रही? आई नो ये वीडियो 3 दिन बाद जाएगा, नवरात्रि का डे 3rd रहेगा या डे 4 रहेगा, ऐसे ही रहेगा, मुझे नहीं पता। आप लोग बताइएगा कौन सा दिन रहेगा जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हो। तो चलो चलते हैं हमारे मंदिर में, कर लेते हैं पूजा, इसके बाद फलाहार करते हैं। तो यह है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर, मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले माता जी को रोली चढ़ा रही हूँ, इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे देवी देवता हैं, तो किसी को रोली किसी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं सिंदूर प्रसाद के तौर पे खुद भी लगा ले रही हूँ, इसके बाद अगरबत्ती जला रही हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों को पूजा दिखा रही हूँ ना, शायद दीपावली वाली पूजा के बाद मैंने नहीं दिखाई थी। तो अगरबत्ती जला लेती हूँ, इसके बाद धूप बत्ती दिया भी जलाना है, घी का दीपक। तो चलो ये सब मैं कर लेती हूँ, इसके बाद आप सभी लोगों से मिलूँगी। अभी मुझे फलाहार भी बनाना है। फलाहार मैं क्या बनाऊँगी? शायद साबूदाने की टिक्की बनाऊँ, वही बनाऊँगी क्योंकि वो झटपट बन जाता है। अच्छा हाँ, मैंने साबूदाना भिगो के रख ही दिया है, तो मैं साबूदाने की टिक्की बनाऊँगी और काजू बादाम इन सबको घी में थोड़ा सा तल लूँगी। बस थोड़ा सा साबूदाना, वो क्या बोलते हैं, सेम दाना भी तल लूँगी, मूँगफली जिसको बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ और फलाहार की क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोग के साथ वो सब शेयर किया हुआ है। डन डना डन डन। तो यहाँ पर मेरा तैयार हो गया है साबूदाने की टिक्की, चाय, ये रही मूँगफली घी में भुनी हुई, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, और यहाँ पर है काजू बादाम मुनक्का पानी। तो ये है हमारा आज का फलाहार। काजू बादाम को अगर आप मुनक्के को थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और भूख भी नहीं लगती है काफ़ी टाइम तक। सो यहाँ पर हम पति पत्नी बैठ के फलाहार कर रहे हैं, बाबू ऑलरेडी कर चुका है, तो यहाँ पर हम लोग ज़मीन पे बैठे हैं, अच्छा लगता है। सो चलो हम फलाहार कर लेते हैं, इसके बाद आप सभी लोगों से मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज प्रियादीप चैनल पे काफ़ी प्यारा सा ट्रेडिशनल मेकअप लुक लाइव हुआ है, तो आप लोग उसे भी देख लें। चलो मिलती हूँ आप सभी से। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 या 2, इतने का टाइम है और मैं हूँ मेरे स्टूडियो रूम में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेसी है, हद से ज़्यादा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना ज़्यादा मेसी है। घर से आने के बाद ये देखो इतने सारे पार्सल मुझे रिसीव हुए हैं, सारे आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे मैंने ऑर्डर किए थे, सभी COD पे हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ, किसी ब्रांड ने मुझे नहीं भेजे हुए हैं, मैंने खुद के पैसों से मंगाया हुआ है। आज मेरा फास्ट है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से। हाँ, ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये मुझे मेरे प्यार में रिसीव हुआ है पर्पल की तरफ से, जो कि बाबू पूरा अभी खेल रहा था तो पूरा फैला दिया। बाकी ये सारे तो हमारे जो गांव गए थे सारे बैग वो हैं, और इधर अमेजोन के हैं, इधर भी अमेजोन के हैं। कब से मैं आप लोगों से बोल रही हूँ अमेजोन हॉल आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, पता नहीं कब आएगा। सारे जो नीचे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं मुझे मेरे प्यार में रिसीव हुए हैं, और पर्पल ने एक न्यू चीज़ लॉन्च की हुई है जो कि मुझे हद से ज़्यादा पसंद आई। मैंने मेरे बालों को खोला हुआ है और अभी मैंने देखा कि मुझे रिसीव हुआ है। ये देखो, ये है गुड वाइब्स का एप्पल साइडर विनेगर सूथिंग हेयर मिस्ट। हेयर मिस्ट के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम सुना हुआ है। फेस मिस्ट तो मैंने काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, लेकिन हेयर मिस्ट की जब बारी आती हो, इतना ज़्यादा बढ़ गया था ब्राइटनेस, जब हेयर मिस्ट की बारी आती है तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे यूज करूँ और अपना मतलब फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मुझे कैसे लगा। ये बिल्कुल नया है, ये है गुड वाइब्स का एप्पल साइडर विनेगर सूथिंग हेयर मिस्ट, नो पैराबिन, क्रुएलिटी फ्री है। अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया हुआ है, और हाँ ये सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड हुए हैं मुझे, काफ़ी टाइम हो गए हैं, जिस दिन मैं जा रही थी उसी दिन ये सारे प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए थे। अंधेरा है रूम में बहुत ज़्यादा,
डरने की कोई बात ही नहीं है, ऑफिस में जमा था ये सारा प्रोडक्ट, ओपन करके चलो हम इसे लगाते हैं, कैसे यूज करना है यहाँ पर मेंशन है। अब मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू यूज़, यहाँ पर है ऑन डैम्प योर ड्राई हेयर स्प्रे द मिस्ट डायरेक्टली ऑन द योर स्टैंड, यू कैन स्क्रंच अप योर हेयर फॉर बेटर रिजल्ट। तो अभी तो मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, कल जब मैं घर से आ रही थी, कल या परसों कब आ रही थी मैं पता नहीं, तभी मैंने जो है बाल धुला था और कुछ भी सीरम वगैरह नहीं लगाया था मैंने, तो मैं यहाँ पर इसे यूज करने वाली हूँ। इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, इफ़ यू वांट यू कैन बाय इट। तो मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं, वाओ फ्रेग्रेंस माइंड ब्लोइंग। आपको कुछ नहीं करना, आपको वाओ यार काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, बस ऐसे ऐसे लगा के आपको छोड़ देना है, बालों को कलर भी कराना है, देखती हूँ कब कराती हूँ। आज मैंने साड़ी पहनी हुई है क्योंकि आज व्रत है इसलिए। ओके, आप खुद ही डिफरेंट देख लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर में आपको समझ में आ रहा होगा अंतर। स्प्रे फॉर्म में है जो कि काफी अच्छी चीज है, प्लस पॉइंट है ना। अच्छा मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देती हूँ, प्राइस क्या है थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, कुछ ही सेकंड लूँगी। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर लगाती हूँ, यहाँ पर मेरे हेयर देखिए आप, चलो रिव्यू देख लो आप, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। बाल मेरे सेट हो गए, वाह बिना किसी मेहनत के है ना, चलो रिव्यू देख लो आप। सो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी गुड वाइब्स एप्पल साइडर विनेगर सूथिंग एयर मिस्ट के बारे में, नेटवेट आपको 50 ml मिलता है, ये देखिए प्राइस है इसकी 190, 10 rupees कम 200 की है, सेल्फ लाइफ 1 year आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, छोटी सी पैकेजिंग है जैसे कि आपको नेटवेट वहाँ पर, यहाँ पर मैंने दिखा दिया 50 ml। तो ये आप अगर डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो तो 1 महीने चलना है या फिर 1.5 महीने चलना है, उससे ज़्यादा नहीं चलना। इसे लगाने के बाद आपके हेयर काफ़ी सॉफ्ट फील होते हैं, सो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पैराबीन क्रुएल्टी फ्री है, एप्पल साइडर विनेगर फेस वाश है जो कि आपको यू नो रूसी वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो एप्पल साइडर विनेगर डैंड्रफ रिमूव करता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक के थ्रू जाके ले सकते हो। पंप ट्यूब में आता है, देखिए ये देखो। तो चलो मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। के बज रहे हैं 6:30 और ये टाइम है चाय टाइम, तो हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। हमने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए। यार साड़ी मैंने काफ़ी अच्छी लग रही है साड़ी, ये देखो जगदती पहाड़ी वाली माँ मेरी बिगड़ी बना ले आजा। तो क्या बोल रही थी, आज बहुत ज़्यादा काम था यार, पूरा रूम इतना मेसी था, इतना मेसी था कि मैं क्या बताऊँ, आधा मैंने क्लीन किया आधा वैसे ही छोड़ दिया। अभी ये देखो इधर इतना बिखरा पड़ा है ना, इसे सही करना है। अच्छा। इसे सही करना है, कुछ तो मैंने सही कर लिया है, सारे जो पार्सल आए थे इसको मैंने साफ कर लिया, मतलब सारे पार्सल अलग रख दिए, बाकी डिब्बा डिब्बा बचा हुआ है। और ये सारी साड़ियाँ मैंने अनपैक करी, ये जो अमेजोन की साड़ियाँ हैं, ये वाली साड़ी काफ़ी खूबसूरत है, तो जल्दी वीडियो आने वाला है, शायद 2-3 दिन में आ जाएगा। सारे प्लांट्स में मैंने पानी डाल दिए क्योंकि प्लांट्स थोड़े थोड़े से लग रहे थे कि सूख रहे हैं, इतने दिन बाद हम आए हैं, 4 दिन बाद ही आए हैं, बट लग रहे थे कि तीन दिन बाद हम लोग आए हैं, बट लग रहे थे कि प्लांट सूख रहे हैं जबकि हम पानी डाल के गए थे। तो इन सब में हमने पानी वानी डाल दिया, अभी हमें ये सब क्लीन करना है। कितना सारा काम है। कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, क्या बताएं। सो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। सो फैमिली हम लोग चल रहे हैं, देखो टाइम क्या हो रहा है। हेलो, इतनी टाइम, चलो चलते हैं। रुको, आप देखने
हाँ वो एक खुशी पंजाबन का एक सॉन्ग है ना, मन जाओ मन जाओ मन जाओ जी, वही मुझे इन दिनों काफी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं राम राम बैंक। यहाँ पर हमने हमारे कुछ ब्लाउज दिए थे स्टिचिंग के लिए और लहंगा दिया हुआ था स्टिचिंग के लिए। अभी रात के देख लीजिए इतना टाइम हो रहा है, कॉपीराइट आ जाता। तो दीप गए हैं लेके आने, मैं कार में हूँ। इसके बाद हमें चलना है ट्रेंड्स, कुछ काम है वहाँ भी। इसके बाद चलेंगे फ्रूट्स लेने, फिर चलेंगे घर। हमने सोचा कि थोड़ी सी तो बात करनी बनती ही है आप सभी से। अंधेरा आ रहा है ना, मैंने साड़ी चेंज कर ली, साड़ी चेंज करके इस सूट को मैंने डाल लिया तो अभी हम यहीं पर बैठे हैं, कार में ही हैं, दीप गए लेके आए, तब चलते हैं हम ट्रेंड्स। अच्छा अंधेरा है तो मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, बाय। हम लोग आ गए हैं, चलते हैं अंदर। जा रहे हैं फलाहार। मिस्टर जी आज भूखे हैं, फास्ट है इनका और एक कल की तैयारी कर रहे हैं कल के लिए। कल संडे है, संडे है तो कल क्या बनना चाहिए वही यूट्यूब से देख रहे हैं कि कल ये बनना। कह रहे हैं पालक भी है और पनीर भी है तो कल पालक पनीर बननी चाहिए। हाँ और यहाँ पर हम फलाहार में आलू और ये साबुदाने की खीर यही खा रहे हैं। तो चलो खा पी लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो फैमिली, रात में हमने ब्लॉग का एंड नहीं करा था सो हमने सोचा कि अब कर लें, सुबह हो गई है सो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर पसंद आया हो तो लाइक करें। अब हम चल रहे हैं ब्रेकफास्ट बनाने और आज सबका मन कर रहा है खाने का तीखा तीखा कुछ मैगी। हमारे यहाँ काफ़ी टाइम हो गई मैगी ही नहीं बनी, आई थिंक 2-2.5 महीने हो गए, 2-2.5 महीने से मैगी नहीं बनी, विश्वास नहीं हो पा रहा है ना, सच्ची नहीं बनी। सो चलो आज बनाते हैं तीखी तीखी मैगी जैसे मैं बनाती हूँ। आप सभी को पता है सीतापुर में मैं कैसी मैगी बनाती थी, पानी उबाल लो, उसमें मटर डाल दो, प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, थोड़ी देर उबल जाए, इसके बाद नमक डाल दो, फिर मैगी डाल दो, बस बन गई सीधी सी सिंपल सी मैगी। तो शायद मैं रेसिपी ऐड करूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अब दीजिए ज़्यादा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।